कर रहे हैं थोड़ा सा डिफरेंट है। क्यों? क्योंकि आज मैं आप लोगों को मिलवाने जा रही हूँ एक इतनी प्यारी क्यूट सी स्वीट सी बेटी से, बहुत ही अच्छी बच्ची से, जिसने मुझे बहुत इंस्पायर किया। किस चीज़ के लिए? वो इस चीज़ के लिए किया कि अगर हम देखें तो आजकल के हमारे जो बच्चे हैं मोस्टली बिजी रहते हैं फ़ोन में, अपने लैपटॉप पर, अपने टीवी में और इन सब चीज़ों में, इन सब क्रिएटिविटी में रहते हैं। ठीक है, रहना चाहिए, ज़रूरत भी है आजकल की, बट इन सब से हटकर भी कुछ हॉबीज़ होती हैं जो इस छोटी सी बच्ची ने मेरे को बताई। कुछ दिन पहले मैंने फेसबुक पर इसका ये टैलेंट देखा था और आई एम वेरी इम्प्रेस्ड। और मुझे इत्तेफाक से कल शाम को बच्ची यहीं पर हमारी कॉलोनी में ही मिल गई है, तो वो हमारी कॉलोनी की बेटी और मामा जी के घर अपने रहने आई हुई थी और कल ही मुझसे मुलाकात हुई। तो मैंने उससे पूछा और जब मेरी उससे बात हुई तो बहुत ही अच्छी बात उससे मेरी हुई और मैं इतनी तारीफ कर रही हूँ तो क्यों ना मैं आपको उनसे मिलवा ही देती हूँ। और ये भी बता देती हूँ कि क्या ऐसा अच्छा काम उसने किया है कि मैं स्पेशली पूरा व्लॉग ही उसी के लिए ही बना रही हूँ। तो मैं मिलवाती हूँ आपसे, रेडी? एंड तो ये है आपके सामने प्रशंसा रस्तोगी, सही नाम बोला मैंने? यस। और कितने साल के हैं आप? मैं 10 इयर्स की हो जाऊंगी अभी जुलाई में बर्थडे है, 10 ईयर की हो जाएंगी। और इन विच स्कूल डू यू स्टडी? सत्यराम इंटरनेशनल। ओ, ये सत्यगाम की बच्ची हैं। अच्छा, तो मैं क्यों मिलवा रही हूँ इनसे? अच्छा, यू लाइक वीडियो फ़ोन, वीडियो गेम्स एंड फ़ोन गेम्स सब कुछ पसंद है? खेलते हो आप? कभी कभार खेलते हैं। ओके। और टीवी वगैरह भी देखते हो? मतलब नॉर्मल जो बच्चों के इंटरेस्ट हैं वो सब आपके इंटरेस्ट हैं? यस। बट ये जो न्यू इंटरेस्ट है, ये जो आपने किया है, दिखाओ, बताओ सबको। ये बुक है अ नॉटी बॉय, जो किसने लिखी है? आप देखिए नीचे नेम लिखा हुआ है, रिटन बाय प्रशंसा रस्तोगी। ये बुक, ये देखिए यहाँ इस बुक के बैक साइड में अगर आप देखेंगे तो इनकी फ़ोटोज़ भी है और यहाँ पर पूरा इनका डिटेल्स भी दे रखी हैं। इट्स रियली वेरी सरप्राइज प्रशंसा। जब मैंने फेसबुक पर देखा ना आपका कि आपने अपनी बुक लिखी है और वो बुक आपने पब्लिश भी करवा ली है, इट्स रियली वेरी गुड, मुझे बहुत अच्छा लगा। और कल जब तुम मुझे मिली तो मैंने कहा मैं पूछूंगी भाई व्हाट, कैसे, हाउ। हाँ, तो बताओ कैसे आपको स्टोरी लिखना अच्छा लगता है? कब से? मेरा ड्रीम था कि मैं एक ऑथर बनूं, अपनी खुद की बुक लिखूं और ये मैंने अपनी बुक लिख ली है। अच्छा, नॉटी बॉय क्यों? शो मी। नॉटी गर्ल भी हो सकता था, क्यों? बॉय के लिए ज्यादा नॉटी होते हैं, बॉयज ज्यादा नॉटी होते हैं इसलिए। तो कितने दिन लगे आपको अपनी बुक लिखने में? ओनली 1 आवर। 1 आवर? ओनली 1 आवर में? अच्छा, पहले से आपने रफली मन में प्लान कर रखी थी स्टोरी? जो मेरे मन में से आया, जैसे कुछ मतलब मेरी फीलिंग्स में जो भी आया मैंने लिख दिया। वाओ, तो क्या स्टोरी है इसकी, आप बताओगे मेरे को? एक लड़का था, बहुत नॉटी था। ओके। और वो एक गुड बॉय बन गया। अच्छा, पहले वो नॉटी था बट बाद में कुछ ऐसे सरकम चांसेस हुए कि वो गुड बॉय बन गया। मतलब आपका मॉरल ऑफ द स्टोरी है कि एंड में हमें गुड बनना ही बनना है, है ना? मॉरल ये है, इफ यू विल डू हार्ड वर्क यू विल अचीव द सक्सेस। वाओ, वेरी गुड, वेरी नाइस थॉट। प्रशंसा इतनी छोटी है ना आपके लिए, तो बस मैं इतना कहूँगी छोटी छोटा पैकेट बड़ा धमाका। यस। yes? और पेरेंट्स ने हेल्प करी आपकी बुक में? no. आपने पूरी स्टोरी आपने लिखी है एंड पब्लिश कैसे करवाई आपने? निब्री बुक्स के पास भी पेरेंट्स गए होंगे या आपने कैसे, आपको पता चला कि? अच्छा, ये सब एक्चुअली इन्होंने अपना समर कैंप लॉन्च किया था तो उसमें हमें पार्टिसिपेट करके अपने खुद की बुक लिखनी होती है। ओके। तो उस पे मैंने खुद लिखा और जैसे हमने फिनिश राइटिंग पे सब कुछ कर दिया मैंने तो उसके बाद पब्लिश का ऑप्शन आता है तो मैंने उसको पब्लिश कर दिया। वाओ, इट्स रियली वेरी वेरी नाइस, अ प्राउड मोमेंट फॉर यू, योर फैमिली, योर स्कूल एंड मी ऑल्सो, की हमारी ऑथर प्रशंसा रहती है, राइट? और बच्चों से क्या कहोगे, जैसे जो तुम्हारी एज ग्रुप के बच्चे हैं या तुमसे भी छोटे हैं, तुमसे भी बड़े हैं, उनको कुछ कहोगे आप? कि आप देखते हो, जैसे फोन देखते हो, आप उसमें अपना टैलेंट दिखाओ,
जैसे मैंने बुक लिखी, आप उस पे जैसे आपका टैलेंट डांस है, जो भी आपका मैजिक है, ऐसी सारी चीजें आप कर सकते हो, वीडियो बना सकते हो, अपनी यूट्यूब पे डालो, जैसे मामी डालती है। यस यस, बट मामी का तो उसमें कोई टैलेंट नहीं है ना, मामी तो बातें करती हैं बस। बट टैलेंट शो करना इज़ वेरी गुड। और प्रशंसा का भी एक और भी चैनल है जिसमें प्रशंसा डांस की अपनी वीडियो डालती है, ठीक है, हमारे ही चैनल में उनका लिंक भी मिलेगा। प्लीज़ आप लोग वो भी जरूर देखिएगा और लाइक भी कीजिए, कमेंट एंड सब्सक्राइब भी कीजिए। मैंने इसके अलावा दो और बुक लिखी है, एक है इनक्रेडिबल इंडिया जिसमें जो मॉन्यूमेंट्स और टेंपल्स होते हैं उनकी बैक स्टोरी, और एक है माय ग्रेट फैमिली। ओके वेरी गुड, तो चेन ऑफ बुक्स आने वाली हैं बहुत जल्दी प्रशंसा की। अच्छा, तो अब आप और भी बुक्स लिख रहे हो, है ना, एक लिख ली, दो आपकी लिखी हुई हैं, तो और आगे का क्या प्लान है अभी से इतनी छोटी सी उम्र में? अभी देखते हैं, जैसे मेरे मामा ने मेरे को आइडिया दिया है कि हम नरेंद्र मोदी जी पे लिखे, बिल्कुल बिल्कुल, APJ अब्दुल कलाम पे, हाँ, ग्रेट पर्सनालिटीज पर ना, मींस आप इंडिया की ग्रेट पर्सनालिटीज पर लिखिए, और कोशिश करिए इंडिया के बारे में ज्यादा लिखिए, क्योंकि वो हमारा देश है ना, हमारे देश के बारे में, हमारे कल्चर के बारे में सबको पता होना चाहिए, और इतने छोटे बच्चों को अगर पता होगा तो इट्स बहुत ही इंस्पायरिंग है। आई एम रियली फैन हो गई मैं तो तेरी। बहुत ही अच्छा लगा मुझे इसका ये देखकर, इसकी ये बुक नोटी बुक पढ़कर। कल ही मैं इससे मैंने ये बुक ले ली थी और मैंने भी पढ़ी है ये बुक, बट मैं चाह रही थी कि जिसने लिखी है वो खुद आपको इस बुक के बारे में बताए तो ज़्यादा अच्छा होगा। और हमारे सामने द ग्रेट ऑथर प्रशंसा, जिसकी मैं बहुत प्रशंसा कर रही हूँ, और आप लोग भी कीजिए। आई हुई है उनकी कजन अद्रिका, हेलो। हाँ अद्रिका, तो तुम्हें कैसा लगा जब प्रशंसा ने बुक लिखी? थोड़ा सा अच्छा लगा, मेरे को बहुत प्राउड मिल रहा था कि मेरी बहन ने अच्छी बुक लिखी है, और मैं इसको थोड़ा और एनकरेज करूंगी कि और भी बुक्स लिखे। वाओ, इसकी हेल्प करूंगी उनको लिखने में। वेरी गुड। अच्छा, तेरा मन नहीं कर रहा जब इसने बुक लिखी है तो मैं क्यों नहीं लिख सकती? मैं मुझे कह रहा थी, हां मैंने लिंक डाउनलोड भी किया है। जब आपकी बुक आएगी अगेन हम सेफ्टी पिन चैनल पर आएंगे और अगेन आपका इंटरव्यू लेंगे। अभी तो फ्री ऑफ कॉस्ट आप दोनों मुझे इंटरव्यू दे रहे हो, फिर जब आप ग्रेट पर्सनैलिटी बन जाओगे, फेमस हो जाओगे, फिर तो मुझे अपॉइंटमेंट लेना पड़ेगा। ऐसे नहीं, मामी को हमेशा दोगे इंटरव्यू अपना? ठीक है अद्रिका, ऑल द बेस्ट फॉर यू एंड ऑल द बेस्ट टू यू। बहुत ही अच्छा मुझे लगा, बहुत ही माइंड ब्लोइंग आइडियाज हैं आप दोनों के। मैं बैठी हुई हूँ फ्यूचर की दो ग्रेट पर्सनालिटीज के साथ, तो पता नहीं आगे मुझे मौका मिले या ना मिले। प्रशंसा, कुछ और कहना है आपको? अगर आपको मेरी बुक्स चाहिए तीनों में से कोई सी भी, तो आपको सेफ्टी पिन के चैनल पे आपको इन तीनों का लिंक मिल जाएगा। और आपका भी मिलेगा लिंक हमें? और ये सभी बच्चों के लिए है बेटा, आप लोग खेलिए, कूदिए, गेम्स खेलिए, एवरीथिंग, सब कुछ करिए, स्टडी भी करिए, और साथ साथ अपनी हॉबीज को भी प्रमोट करिए, अपनी हॉबीज के साथ भी आगे निकलिए। पता नहीं आपकी कौन सी हॉबी कल आपके फ्यूचर में आपका ही नाम रोशन करे और आप सब एक जानी मानी पर्सनैलिटीज बन जाए। एंड आई होप आप लोगों को ये मेरा व्लॉग अच्छा लगा होगा, प्रशंसा के लिए अच्छा लगा होगा, हमारी मुझे ना इसका घर का नाम पता है आद्रिका, क्योंकि हम तो इसे प्यार से अद्दू ही कहते हैं। सबके लिए अच्छा लगा होगा। प्लीज़ बच्चों को मोटिवेट कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए और सब्सक्राइब कीजिए। बाय, टेक केयर।